हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन। क्लास 8th चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। जिवें कि एग्जाम चल रहे हैं प्री मिड टर्म, तो उनके लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर जा रहे हैं, कुछ MCQ ने जो एग्जाम दे विच आ सकते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन ना। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म की होंगी है, हरेक चीज़ की कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होंगी है जिन्हों देख के बाकी इक्वेशन बनाई जाती हैं। तो यदि स्टैंडर्ड फॉर्म की है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, जिथे ए एंड बी अपने को ने कॉन्सटेंट, तो अपने को एक्स की है दैट इज़ अ वेरिएबल। सो राइट आंसर इज ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। नैक्सट क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू की कह रहे हैं, द स्टेटमेंट ऑन एडिंग 10 इन अ नंबर द नंबर बिकम्स 20 इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज। देखो कोई नंबर है, नंबर आपां की लैट किया एक्स, एडिंग का मतलब की होंगे प्लस करना, कि प्लस करना है 10 प्लस करना है। बिकम्स का मतलब की हो गया इतने इज इक्वल टू कि बन गया 20। तो अपने को आंसर की आ गया एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 20। सो राइट आंसर इज बी। तो अपना राइट आंसर आ गया एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। इफ 15 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इट बिकम्स -5। कहिंदा 15 सबट्रैक्ट हो रहा फ्रॉम द नंबर, नंबर आपां की लैट किया एक्स, सबट्रैक्ट का मतलब माइनस करना, कितना माइनस करना 15, बिकम्स का मतलब इज इक्वल टू कितना बन रहा अपने को -5। सो अपने को राइट आंसर की है एक्स -15 इज इक्वल टू -5, दैट इज डी, डी इज अ राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन नंबर फोर। द रूट का मतलब होंगे जीरो, जीरो का मतलब होंगे वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वह वैल्यू या वाई की वह वैल्यू या जैड की वह वैल्यू, कोई भी वेरिएबल की वह वैल्यू जिंद उपर पूरी इक्वेशन की हो जाए जीरो हो जाए। ओके सो रूट का मतलब की इतने वैल्यू ऑफ जैड, आप जैड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किमें फाइंड करा, जैड प्लस 4 इज इक्वल टू की है -8। जो भी अपने को वेरिएबल है वह की आप एक साइड पर रखा, जोड़े कॉन्सटेंट हो की है दूजी साइड पर लेके जावे। हुण जैड अपने को वेरिएबल, 4 अपने कोंसटेंट है, 8 अपने कोंसटेंट है। सो प्लस द 4 राइट साइड जाके की हो गया माइनस, सो -8 -4 विच इज इक्वल टू -12। सो जैड की वैल्यू कितनी आ गई -12, इतने ऑप्शन गलत है, ऑप्शन इतने की आना सीगा -12। ओके सो अपने को राइट आंसर की है सी, जैड इज इक्वल टू -12। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की कह रहे हैं, द रूट ऑफ इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 20/7 -x। हुण अपने को इक्वेशन की है 3x इज इक्वल टू 20/7 -x। 3x अपने को वेरिएबल, 20/7 अपने कोंसटेंट, जो x है भी अपने को है वेरिएबल, तो वेरिएबल एक साइड आप इकट्ठे करा। सो कितना हो गया 3x, जो x है लैफ्ट साइड से आ गया पॉजिटिव इज इक्वल टू की आ गया 20/7 आ गया 3x प्लस एक्स, 4x इज इक्वल टू की आ गया 20/7। हुण 4 दे टेबल च 20 कट हो गया किन्ने ते 5 ते, सो x दी वैल्यू कितनी आ गई दैट इज 5/7। सो अपना राइट आंसर की है डी, डी इज 5/7, तो x दी वैल्यू आ गई दैट इज 5/7। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 6। द रूट ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 (x) -4। तो पहला काम की अपना 2x प्लस 3 तो सेम रखना, पर राइट साइड के ब्रैकेट ओपन करना, 2 × x 2x -4 2 × 8। हुण देखो 2x इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो इधर है कि हो जूगा माइनस, सो 2x -2x इज इक्वल टू -8 -3। 2x नाल 2x कैंसल हो गया, देखो x दी वैल्यू कैंसल हो गई, जिन्हों आप फाइंड करना सी वो वैल्यू ही कैंसल हो गई, जिंदी वैल्यू फाइंड करनी वो आप ही गवाच गया। ठीक है सो अपने को राइट आंसर की आ गया राइट आंसर इज नो सोल्यूशन, इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जिंदी वैल्यू फाइंड करनी वो पहले ही खत्म हो गया। ओके जिंदी वैल्यू फाइंड करनी वो पहले ही खत्म हो गया एक्स, तो अपने कोई भी सोल्यूशन नहीं बचा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज द लार्जेस्ट ऑफ
द लार्जेस्ट नंबर ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज एक्स प्लस वन, देन स्मॉलेस्ट नंबर इज। देखो तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड है इतने, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मीनिंग की है लगातार। सब तो वड्डा नंबर है एक्स प्लस वन, ये तो एक छोटा पता करना है तो इन वन माइनस कर दो, वन नाल वन कटिया गया सो सैकेंड नंबर की आ गया एक्स, तो थर्ड नंबर की आ जाएगा सब तो छोटा इन फिर वन माइनस कर दो तो अपना सब तो समोलैसट नंबर की आ गया दैट इज़ एक्स माइनस वन। ओके जिमें अपने को नंबर है एट सैवन तो सिक्स, सैवन किमें आया एट विचों वन माइनस करके, तो सिक्स किमें आया सैवन के वन माइनस करके। ओके लार्जेस्ट नंबर आपको गिवन से आप सब तो छोटा नंबर फाइंड करना दैट इज़ एक्स माइनस वन। नैक्सट क्वेश्चन नंबर एट, इफ एक्स इज एन ईवन नंबर दैन कॉन्जिक्यूटिव ईवन नंबर इज। देखो जिमें ईवन नंबर टू है, अगला ईवन नंबर की है फोर, फोर नूं आपां किवें लिख सकते हैं टू प्लस टू, उस तो अगला नंबर की है सिक्स, इनू आपां की लिख सकते हैं फोर प्लस टू या टू प्लस फोर लिख सकते हैं। हुण आपां नूं एक ईवन नंबर दिता दैट इज़ एक्स, तो इस तो नैक्सट ईवन नंबर की होएगा दो ऐड करने हैं तो किहड़ा अपने कोल राइट आंसर है बी एक्स प्लस टू। ओके जे पहला नंबर एक्स है तो सैकेंड ईवन नंबर की होगा कॉन्जिक्यूटिव ईवन नंबर एक्स प्लस टू। नैक्सट क्वेश्चन नंबर नाइन, वैन नाइन इज एडेड टू टू टाइम्स अ नंबर वी गैट 67 द नंबर इज। देखो पहला नंबर अपने को है एक्स है, टू टाइम्स मतलब टू मल्टीप्लाई बाय नंबर, ठीक है टू टाइम्स का मतलब होंगे टू मल्टीप्लाई बाय नंबर अपने को है एक्स है। हुण एडेड का मतलब नाइन आप करने ऐड करना इज इक्वल टू कि बन रहा 67 बन रहा। ओके सो जो नाइन है राइट साइड जाके की हो गया माइनस दैट इज 67, 67 माइनस नाइन सो टू एक्स कद इक्वल आ गया दैट इज इक्वल टू 58, टू नाल 58 कट हो गया सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 29 दैट मीनस जो नंबर है दैट इज इक्वल टू 29। इक्वेशन नूं पहला चंगी तरह पढ़ो कह की रहा है टू टाइम्स का मतलब होंगे टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किन नाल करनी है नंबर नाल, नंबर अपने कोल की है एक्स, एडेड का मतलब की है प्लस करना, किन्ने ऐड करने हैं नाइन, वही गैट, गैट का मतलब इतने की आ गया इज इक्वल टू कि प्राप्त हो रहा अपन कि मिल रहा 67 तो अपने को आंसर क्या आ गया एक्स इज इक्वल टू 29। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन अपने को, द रूट ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 14 सो 3x प्लस 8 का दे इक्वल है 14 दे, जो x है राइट साइड जाके की हो गया अपने को माइनस हो गया सो 14 माइनस 8 3x इज इक्वल टू 6, 3 दे टेबल 6 किन्ने दे कटिया गया 2 ते सो x दी वैल्यू की आ गई अपने को 2 आ गई तो अपना राइट आंसर की है बी, बी अपने को आ गया राइट आंसर आ गया। यह अपने को चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नैक्सट वीडियो आएगी अपने को स्केयर एंड स्केयर रूट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू।